गुड मॉर्निंग। टुडे वी डिस्कस अबाउट द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज फर्स्ट वी डिस्क्राइब नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स डिफेंस मैकेनिज्म। वी डिस्कस लोअर पार्ट टू अपर। इन लोअर शो इन दिस डायग्राम वजाइना, देन सर्विक्स, देन यूट्रस, देन fallopian tube, then ovary, and ovary is attached with ovarian ligament. Then we discuss about the defense mechanism. In defense mechanism, outer external genital tract covered with labia and their secretions. It is fungicidal secretion. It helps to prevent infection. Next we come on definition. In definition, pelvic inflammatory disease is a spectrum of inflammatory disorder of the upper female genital tract, including any combination of endometritis, salpingitis, tubo ovarian abscess, and pelvic peritonitis. It means ki jo pelvic inflammatory disease जो होती है मेनली अपर जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्शियस कंडीशन को बोलते हैं PID। जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन जो रहेगा इसको टू पार्ट के अंदर डिवाइड करा है। इसके अपर पार्ट के अंदर आता है बेसिकली यूट्रस के एंडोमेट्रियम या बॉडी ऑफ द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, और इन इसके लोअर ट्रैक्ट के अंदर आता है सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ट्रैक्ट। इसके कॉम्बिनेशन में जैसे कि अगर एंड्रोमेट्रियम के अंदर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस। सेकंड साल्पिंजाइटिस, इट मींस इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, जो ये बेसिक रहेगा ट्यूबो मींस जो फैलोपियन ट्यूब है वह, और ओवेरियन मींस ओवेरी का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर इंफ्लामेटरी चेंजेस प्रेजेंट प्लस मे बी चांसेस टू डेवलप ऑफ एब्सेस कंडीशन। एंड पेल्विक पेरिटोनाइटिस, इट मींस जो पेरिटोनियम लेयर जो रहती है पेल्विस के अंदर उसकी इन्फ्लामेटरी कंडीशन को बोलते हैं पेल्विक पेरिटोनाइटिस। तो नॉर्मल जो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के अंदर हम अपर जेनाइटल ट्रैक्ट को इंक्लूड करते हैं और उसके अंदर एंडोमेट्राइटिस, साल्पिंजाइटिस, पेल्विक पेरिटोनाइटिस एंड पैरामेट्राइटिस, ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस कंडीशन रहेगी, लेकिन सर्विसाइटिस is not included in this PID. Next है etiological agents. Etiological agents जो है mainly sexually transmitted जो organism रहेंगे जैसे कि Neisseria gonorrhea है ना, Clostridium trachomatis are common रहते हैं, और अदर जो है जैसे वजाइनल फ्लोरा जो रहेगा वो भी अगर इनर साइड के अंदर चले जाता है तो मे बी चांसेस टू डेवलप इन्फेक्शन। इसके अलावा जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म जो मेनली जैसे कि पायोजेनिक है, पायोजेनिक की वापस टू कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होता है एरोप्स। एरोप्स के अंदर टू कैटेगरी, ग्राम पॉजिटिव जिसके अंदर स्टेफाइलोकोकस आता है, ग्राम नेगेटिव इसके अंदर इकोलाई, सुडोमोनास, नाइजीरिया गोनोरिया या क्लेप्सिलिया इंक्लूड करेंगे। पायोजेनिक के अंदर एन एरोप्स जो रहेंगे उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव जो है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची एंड क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी आर इंक्लूडेड। देन ग्राम नेगेटिव इसके अंदर आते हैं बैक्टीरियोट्स फ्रेजिलिस जो रहेंगे। फिर आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर
जो अपन बात कर रहे हैं, नाइजेरिया गोनोरिया आता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस आता है, ट्रिपेनोमा पैलिडम आता है, या हीमोफाइलस आते हैं, या एचआईवी फर्स्ट या सेकंड जो रहेगा ये इंक्लूड होते हैं। कुछ पैरासाइटिक्स रहते हैं जैसे कि ट्राइकोमोनास वजाइनलिस। नेक्स्ट होते हैं फंगल। फंगल के अंदर कैंडिडा एल्बिकंस जो है वो कॉमन रहेगा। वायरल, वायरल के अंदर रहता है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। या नेक्स्ट होता है ट्यूबरकुलर, तो ट्यूबरकुलर के अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट मेनली अफेक्ट सेकेंडरी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी जो मेनली है रिसेंट के अंदर इंसिडेंस जो रहेंगे पीआईडी के वह इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से डेवलप होते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर रहते हैं मेन जो पीआईडी है, इसका मेन जो फैक्टर्स जो रहेगा, एपिडेमिक फैक्टर जो रहेगा वो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। मेनली जो सेक्सुअल एक्टिव वुमेन है उसके अंदर 85% जो चांस रहेगा उसके अंदर डेवलप रहते हैं। नेक्स्ट होते हैं एट्रोजेनिक प्रोसीजर। एट्रोजेनिक प्रोसीजर जो रहेंगे उसको प्रॉपर अगर असेप्टिक या स्टेराइल टेक्निक का यूज़ नहीं करते तो मे बी चांस टू डेवलप इन्फेक्शन। लाइक एंडोमेट्रियल बायोप्सी, इट मीन्स जो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन है उससे सैंपल कलेक्ट होता है। तब यूटेराइन क्यूरेटेज, यूटेराइन क्यूरेटेज इट मीन्स जो यूट्रस के अंदर डीएनसी प्रोसीजर होता है, तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसको क्यूरेट करके आउट करना, निकालना, उसको बोलते हैं यूटेराइन क्यूरेटेज। नेक्स्ट होता है इंसर्शन ऑफ आईयूडी। इंसर्शन ऑफ आईयूडी, आईयूडी होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो बर्थ कंट्रोल करने के लिए टेम्प्ररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। नेक्स्ट होता है हिस्टीरियो साल्पिंजोग्राफी। हिस्टीरियो मीन्स यूट्रस, साल्पिंजो मीन्स फेलोपियन ट्यूब, ग्राफी मीन्स स्टडी। इट मीन्स हिस्टीरियो साल्पिंजोग्राफी के अंदर हम यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, दिस डायग्राम शो फर्स्ट जो है 85% इसके अंदर क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड 15% रीजन जो है वो क्या है एट्रोजेनिक। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एज इन दिस डायग्राम, इन दिस पाइप डायग्राम वी शो जो डार्क कलर है मोर देन 25 ईयर्स उसके अंदर रहता है 34% चांसेस, और जो लाइट ग्रीन कलर है इसके अंदर है 66% जो इंडिकेट करता है लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज जो रहेगी उसके अंदर ज़्यादा पीआईडी के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट होता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर मेनली जो 95% जो वुमन रहेगी वह रहती है ए सिम्टोमेटिक, और 4% जो रहती है वह रहती है माइल्ड टू मॉडरेट, और 1% जो रहती है उसको सीवियर पीआईडी की कंप्लेन देती है। ये इसका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है डिपेंड ऑन क्लिनिकल फीचर्स एंड लैप्रोस्कोपिक स्टडी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएटिंग टीनेजर्स हैं, ये पर्सनल जो पेरिनियल हाइजीन है उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करती, तो उसकी वजह से चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन रहेगा। सेकंड, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जो रहेगा। फिर नेक्स्ट, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्यूट पीआईडी। नेक्स्ट, आईयूडी यूजर्स। नेक्स्ट, सेक्सुअल पार्टनर विथ यूरिथराइटिस और एसटीआई, अगर पार्टनर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो इट मींस चांसेस
to transfer infection. Next, prior infection with chlamydia or gonorrhea. अगर वुमेन को खुद को अगर पर्सनल STI जो क्लेमाइडिया का और गोनोरिया का इन्फेक्शन है तो चांसेस ऑफ रीअपियरेंस रिकरेंट इन्फेक्शन का. फिर नेक्स्ट यंग एज ऑफ ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी. नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. नेक्स्ट लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से क्या होता है कि जो वुमन का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता. इसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम जो रहेगा या डिफेंस सिस्टम जो रहेगा वह वीक होता है. साथ में उसको पेरिनियल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर जो प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी भी कम मिलती है. नेक्स्ट होता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. इसके अंदर क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके अंदर जो फर्स्ट 14 डे जो रहेंगे उसके अंदर क्या होता है एस्ट्रोजन लेवल क्या रहता है हाई रहता है. तो एस्ट्रोजन लेवल जब हाई रहता है तो उसके अंदर जो रहेगा वजाइनल pH जो रहेगा वह एसिडिक रहेगा. ठीक है, तो उस पीरियड के अंदर जो इंटरकोर्स रहेगा उसके अंदर चांसेस टू इन्फेक्शन जो रहेंगे वह कम रहेगा. लेकिन अगर ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर एक्टिविटीज रहती है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो रहेगा वो इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे. नेक्स्ट होता है नो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड. इट मींस अगर कॉन्डोम जो है उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं करते या यूज़ ही नहीं करते तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रहेगा. नेक्स्ट होता है इंटरकोर्स ड्यूरिंग PID. अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है उसके बाद भी कंटिन्यू अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज रहती है तो मे बी चांसेस टू डेवलप रिकरेंट एंड क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. नेक्स्ट वी कम ऑन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स. प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के अंदर फर्स्ट जो है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस. इसके अंदर बैरियर मेथड लाइक कॉन्डोम डायफ्राम विथ स्पर्मिसाइड्स यूज करना है. सेकेंड होता है ओरल स्टेरेडियोल. ओरल स्टेरेडियोल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या करती है कि जो सर्विक्स है वहाँ पे एक थिक म्यूकस प्लग डेवलप कर देती है और उसको स्पर्म या जो बैक्टीरिया रहते हैं वह पिनिट्रेशन करने में इनेबल रहते हैं. इसलिए चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इसके अंदर कम रहेगा. नेक्स्ट होता है मोनोगेमी और पार्टनर विथ वैसेक्टोमी. मोनोगेमी मींस सिंपल वन सेक्सुअल पार्टनर. और पार्टनर विथ वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी की वजह से क्या होगा सीमन के अंदर स्पर्म जो है वह एब्सेंट रहेंगे और स्पर्म एब्सेंट होने की वजह से स्पर्म भी एक क्या करता है वेक्टर होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को असेंडिंग करता है अपर जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, तो ये उससे प्रिवेंट करेगा. नेक्स्ट होते हैं अदर. अदर के अंदर जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या होता है एक म्यूकस प्लग डेवलप हो जाता है सर्विक्स के यहाँ पे, तो वो इन्फेक्शन को अपर पार्ट के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है. सेकेंड मीनोपोज. मीनोपोज के अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वुमेन की क्या होगी कम होगी अकॉर्डिंग टू एज. पर्सन की एक्टिविटीज़ कम हो जाती है इसलिए PID के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे. फिर नेक्स्ट होता है एजियोस्पर्मिक मेल. अगर जो मेल है उसके अंदर स्पर्म का लेवल लो है तब भी या जो स्पर्म है उसके स्ट्रक्चर में भी अबनॉर्मलिटीज जो रहेगी या लो लेवल अमाउंट जो है वह भी कम है तब क्या रहेगा रिड्यूस चांसेस ऑफ PID. नेक्स्ट अगर माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी करते हैं एक्यूट PID. एक्यूट PID जो मेनली रहती है वो होती है पॉली माइक्रोबियल. पॉली माइक्रोबियल इट मींस कि जो इन्फेक्शन है वह एक साथ दो या तीन या अधिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसकी वजह से डेवलप होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉली माइक्रोबियल. सेकेंड जो इन्फेक्शन
एजेंट है वो टू टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. तो फर्स्ट होता है प्राइमरी ऑर्गेनिज्म. प्राइमरी ऑर्गेनिज्म इट मीन्स इट इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो क्या करते हैं डायरेक्ट जाके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहेगा वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप करते हैं. जैसे कि एसटीआई इन्फेक्शन है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वह डेवलप करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. नेक्स्ट होता है सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म. सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं इसके अंदर क्या होता है कि ये मेनली इन्फेक्शियस एजेंट रहते हैं अदर ऑर्गन के, या नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं अदर जो पार्ट रहेगा, अदर जो सिस्टम रहेगा उसके अंदर. लेकिन वो किसी वे से अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या अपर जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है तब इन्फेक्शन डेवलप करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म. माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, दिस पाई डायग्राम शो फर्स्ट जो ब्लू कलर है ये बताता है नाइजीरिया गोनोरिया, और इसका परसेंटेज लेवल कितना है 16%. फिर सेकंड जो रेड है ये बताता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटीज. क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटीज भी कितना है 16%. फिर इसका जो ग्रीन कलर है ये बताता है माइकोप्लाज्मा होमिनिस. माइकोप्लाज्मा होमिनिस जो है ये बताता है 5%, और अदर जो है वो फैक्टर्स होते हैं 63%. तो जो अदर्स है इसका लेवल कितना है ज़्यादा है कंपेयर टू अदर एजेंट, है ना, एसटीआई जो एजेंट है उसके कंपैरिजन में जो सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोलेंगे वो कितना परसेंट रहता है 63%. नेक्स्ट वी कम ऑन मोड ऑफ अफेक्शन. मोड ऑफ अफेक्शन जो है ये डायरेक्टली क्या होता है कंटिन्यूटी एंड कंटिग्यूटी टाइप का इन्फेक्शन देता है, असेंडिंग टाइप का इन्फेक्शन है. फर्स्ट जो है वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो कहाँ पे आएंगे, वजाइना के अंदर, मे बी एसटीआई के थ्रू रहेगा. फिर इन्फेक्शियस एजेंट है वो अपसाइड मूव करते हैं, अपसाइड मूव करके ये सर्विक्स, सर्विक्स के बाद एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम के बाद ये फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के बाद ओवरी के अंदर इन्फेक्शन डेवलप करेंगे. क्लियर. अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्या होता है, एक फैक्टर्स रहता है रिफ्लक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड अलोंग विथ गोनोकोकल. इट मींस जो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो रहेगा वो कहाँ से आता है, मेनली एंडोमेट्रियम जो शेडिंग होगी वहाँ से ये मेंस्ट्रुअल ब्लड डेवलप होता है और बाहर सर्विक्स और वजाइना से आउटर होता है. लेकिन किसी रीजन से जो है जैसे कि मे बी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वजाइना या सर्विक्स, तो जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर. इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह प्रेजेंट है, और एक्यूमुलेट होने के बाद ये कंटिन्यू एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट होगा, और उसके बाद एक लेवल पे ये कहाँ जाएगा, कॉर्नू ऑफ यूट्रस, फिर उसके बाद मे बी मूव इन फैलोपियन ट्यूब. और इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है तो वह फैलोपियन ट्यूब के वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप करेगा. ठीक है, रिफ्लक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड. फिर नेक्स्ट जो रहता है इसके अंदर जो रहेगा, जैसे कि अगर मेल जो है सेक्सुअल पार्टनर जो है अगर उसको इन्फेक्शन है तो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो सीमन है वह वजाइना के अंदर आएगा. फिर जो इसके अंदर जो स्पर्म रहेगा वह वर्क करेगा एज ए वेक्टर, और वो ऊपर साइड की तरफ मूव करेगा कंटिन्यू. ये स्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है वो डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करेगा. तो उसके साथ अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है तो वह इन्फेक्शन डेवलप करेगा. नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं ये
दिख रहा है ब्लू या ग्रे कलर का है स्ट्रक्चर, ये बताता है कॉपर्टी। कॉपर्टी अगर इंसर्शन है, कॉपर्टी एक फॉरेन मटेरियल है और इसके साथ क्या होता है एक थ्रेड जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, तो थ्रेड से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन अपर साइड के अंदर जा सकता है। एक या जब आईयूडी इंसर्ट करी है तो प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक अगर मेंटेन नहीं है तब भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रहेगा। या नेक्स्ट है पोस्ट पार्टम एंडोमेट्राइटिस। अगर पोस्ट पार्टम एंडोमेट्राइटिस इट मींस कि कोई भी प्लेजेंटा का पार्ट या मेम्ब्रेन का पार्ट जो रहेगा अमनियोटिक मेम्ब्रेन का पार्ट अगर वो यूट्रस के अंदर रह जाता है ड्यूरिंग थर्ड स्टेज के अंदर, ये तब क्या करते हैं थर्ड स्टेज किसकी लेबर की, ठीक है लेबर की जब थर्ड स्टेज रहेगी उसके अंदर अगर कोई भी कंसीव प्रोडक्ट का पार्ट इनर साइड में रह जाता है तो पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर वह इन्फ्लामेशन कंडीशन डेवलप करता है, इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस, ठीक है इसकी वजह से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रहेगा। नेक्स्ट जो है इसके अंदर होता है कि जो सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म जो सेकेंडरी टाइप का इन्फेक्शन है अगर वह है वेसल्स या लिम्फेटिक सप्लाइज जो रहेगी सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ तब इन्फेक्शन डेवलप हो, जैसे कि इसका एग्जांपल होता है माइकोप्लाज्मा होमिनिस जो लिम्फेटिक या ब्लड वेसल्स अक्रॉस पैरामेट्रियम करके जो अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर आके इन्फ्लेमेशन डेवलप करेगा। नेक्स्ट आते हैं पीआईडी की पैथोलॉजी के अंदर, तो फर्स्ट जो है इसके अंदर फर्स्ट क्या होगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज ऑलमोस्ट बाइलेटरल, पैथोलॉजिकल प्रोसेस इज इनिशिएटेड प्राइमरली इन द एंडोसाल्पिंक्स, इट यूजली फॉलो मेंसेस ड्यू टू लॉस ऑफ जेनाइटल डिफेंस। कि जो मेनली एक्यूट पीआईडी की पैथोलॉजी है इसके अंदर बात करेंगे कि मेनली जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पीरियड होता है तब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो लॉस होगा, क्यों क्योंकि इसके इस टाइम पर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल लो रहता है, एस्ट्रोजन का हार्मोन लो रहेगा तो पीएच जो रहेगा वह इंक्रीज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी रह सकता है, ठीक है तब क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर करेगा और असेंडिंग करेगा, ठीक है असेंडिंग मतलब सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेराइन बॉडी और उसके पास फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा, फिर वहाँ पे क्या रहेगा फैलोपियन ट्यूब के वहाँ पे उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वह लॉस है तो इन्वेड करेगा। मेन प्रॉपर्टी जो पीआईडी की रहती है एक्यूट पीआईडी की तो उसके अंदर रहता है बाइलैटरल, बाइलैटरल मीन्स कि दोनों टाइप दोनों साइड की जो फैलोपियन ट्यूब है उनका इन्वॉल्वमेंट सेम रहेगा, दोनों में सेम चेंजेस डेवलप होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर करते ही क्या करता है ग्रोस डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल सीलिया एंड माइक्रोविलाय, इसकी वजह से एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन डेवलप होती है, उसके बाद एडिमटस एंड हाइपरेमिक ट्यूब फीचर्स डेवलप होगी, एक्सफोलेटेड सेल एंड एक्सुडेट पावर इनटू ल्यूमन एंड एग्लूटिनेट द म्यूकोसल फोल्ड, म्यूकस प्लग जो है वह भी डेवलप होंगे और जो फ्लूइड है वो बाहर ट्यूब के अंदर आएगा। कंटिन्यू इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है एब्डोमिनल ओस्टियम जो है वो एडिमा और इन्फ्लामेशन की वजह से क्लोज हो जाता है और यूटेराइन एंड जो रहेगा फेलोपियन ट्यूब के टू एंड रहते हैं एक एब्डोमिनल ओस्टियम और एक क्या रहता है यूटेराइन एंड जो यूट्रस के अंदर ओपन होगा वो भी कंजेस्टेड की वजह से क्लोज हो जाएगा। तो फ्लूड का एक्यूमुलेशन किसके अंदर रहेगा मेनली फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब फ्लूइड का जो है वो वाटरी है या प्यूरुलेंट है ये डिपेंड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है।
तब फ्लूड एक्यूमुलेट होने की वजह से हाइड्रोसेल्पिंग्स अगर वाटर एक्यूमुलेट होता है तब, और पायोसेल्पिंग्स अगर पस फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वह पस डेवलप करते हैं तो इसको बोलते हैं पायोसेल्पिंग्स। और इसके साथ साथ फीचर्स क्या रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीपर पेनिट्रेशन करेंगे एंड मोर डिस्ट्रक्शन करेंगे। फिर कंटिन्यू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की वजह से फ्लूइड जो है वह ओवरी वाली साइट पे डेवलप चला जाएगा और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वह इन्फ्लामेटरी कंडीशन ओवरी के अंदर डेवलप करते हैं तो इसको बोलते हैं ओफोराइटिस। और ये फीचर्स जो रहेंगे इसको बोलते हैं ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस। और जब फ्लूइड जो है वह ओवरी पे जाता है तो नियर टू क्या रहती है, पेरिटोनियम, तो उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस कंडीशन डेवलप होती है या पेल्विक एब्सिस डेवलप होता है। और ये जो फीचर्स है ये रिसोल्यूशन हो जाता है 2 to 3 weeks के अंदर अगर ये क्रॉनिक नहीं है, या डिपेंड ऑन विरुलेंस पावर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। फिर इसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन जो अगर ओवरी के अंदर आया तो क्या डेवलप हुआ, ओफोराइटिस, स्वेलिंग कंडीशन दिखाई दे रही है। और इसकी डिस्चार्ज और स्वेलिंग एडिमा कंडीशन की वजह से क्या रहेगा, साल्पिंग्स जो रहेगी, ओवरी जो रहेगी वो अपने नियर टू ऑर्गन एडेसेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी कम ऑन क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर बायलैटरल लोअर एब्डोमिनल पेन एंड पेल्विक पेन डल इन नेचर रहेगा। और जो सिम्टम्स जो है इसके अंदर फीवर, लैसिट्यूड एंड हेडेक रहेगा। इरेगुलर एंड एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पर्निया, पेन एंड डिस्कम्फर्ट फील रहेगा। और एक फिट्स हक सिंड्रोम जो रहेगा इसके फीचर्स भी आ सकते हैं अगर रिसोल्यूशन 2 to 3 weeks के अंदर नहीं रहता है तब। फिर नेक्स्ट आता है साइन। साइन जो है इसके अंदर टेम्परेचर एलिवेटेड रहेगा 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड से। एब्डोमिनल पेल्पिटेशन से टेंडरनेस फील रहेगी। वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके अंदर डिस्चार्ज का जो टाइप रहेगा और कंजेस्टेंट बार्थोलिन ग्लैंड्स जो रहेगी ये फीचर्स डेवलप होते हैं। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन में भी टेंडरनेस रहेगा, ऑन फोनिक्स रहेगा। अब इसके जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर मेजर क्राइटेरिया इसके लिए लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस को बोलते हैं सेंडिलर साइन, है ना, सेंडिलर साइन। ठीक है, इट मीन्स अगर सर्विक्स मूव करती है तो पेन फील होता है क्योंकि वहाँ पे टेंडरनेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट एडिनेक्सल टेंडरनेस। नेक्स्ट होता है डेफ। फिर नेक्स्ट वी कम ऑन डेफिनेटिव क्राइटेरिया, इट मीन्स एग्जिट। तो इसके लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल एविडेंस किया जाता है, बायोप्सी जो मेन रहेगा, एंडोमेट्रियल बायोप्सी से हम आइडेंटिफाई करते हैं चेंजेस को। सेकेंड होता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी और एमआरआई, इट इज़ अ अमेजिंग टेक्निक, मेनली ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी ही बेस्ट रहती है। फिर लैप्रोस्कोपिक एविडेंस जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर या वायलिन स्ट्रिंग के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। लेप्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स के अंदर जैसे जो माइल्ड होते हैं उसके अंदर जो ट्यूब रहेगी उसके अंदर एडिमा, एरिथिमा और नो प्यूरुलेंट एक्सुडेट एंड आर मोबाइल फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे। सीवियर के अंदर पायोसाल्पिंग्स, इन्फ्लामेटरी कॉम्प्लेक्स और एब्सेंस प्रेजेंट रहेंगे।
मॉडरेट के अंदर प्यूरुलेंट एक्सुडेट फ्रॉम फिम्ब्रियल एंड रहेगी, और इसके अंदर एक वायलेंट स्ट्रिंग मतलब जो ट्यूब है उसका एडेसेंस पेल्विस के अंदर रहेगा या लीवर के अंदर एडेसेंस रहेगा, तो उसको बोलते हैं वायलिंग स्ट्रिंग। वायलिन स्ट्रिंग मतलब जो वायलिन की स्ट्रिंग जो रहेगी उसके लाइक अपेयरेंस दिखाई देगा। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं सपोर्टिव क्राइटेरिया के अंदर, फीवर का टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री रहेगा, अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज और पॉजिटिव कल्चर फॉर नाइजीरिया गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। WBC की काउंटिंग जो रहेगी मोर देन 10,000 रहेगा, और एलिवेटेड सी रिएक्टिव प्रोटीन और इरेथ्रो सेडिमेंटेशन रेट रहेगी। नेक्स्ट वी कम ऑन इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस जो है बेसिक, इसके अंदर फर्स्ट जो है कंप्लीट ब्लड काउंट, सेकंड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, फिर वजाइनल वेट माउंट। वेट माउंट के अंदर क्या करते हैं, जो भी वजाइना से सैंपल लिया उसको वेट करके और हैंग करते हैं। इसमें क्या होगा, जो हैंगिंग वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर, ये मेनली जो रहेगा क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस के लिए किया जाता है। या फिर नेक्स्ट होता है नाट टेस्ट। नाट टेस्ट जो होता है इसके अंदर क्या करते हैं, ये मेनली जो न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर स्पेसिस को एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिफोर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, यूरिन से नाट टेस्ट किया जाता है, फिकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, टेस्ट फॉर साइफिलिस, टेस्ट फॉर HIV, एग्जैक्ट कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फाइंड अप किया जाता है। फिर नेक्स्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, इसके अंदर किया जाता है कुल्डोसेंटेसिस। कुल्डोसेंटेसिस मीन्स जो फ्लूइड का कलेक्शन है वह पाउच ऑफ डगलस से लिया गया है ना, रेक्टल पाउच जो रहेगा जो मेनली रेक्टम और वजाइना के बीच में जो पाउच रहेगा रेक्टोवजाइनल पाउच, वहाँ से फ्लूइड को, वहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से, और वह फ्लूइड को स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी, डायरेक्ट एंडोमेट्रियम से सैंपल लेना है। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपिक, जिसके अंदर हम कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे PID के फीचर्स को। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके जो फीचर्स होंगे वह कंफ्यूज करते हैं अदर्स से, लाइक जैसे अपेंडिसाइटिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंडोमेट्राइटिस या ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन टॉलिसन, तो इसके फीचर्स क्या करेंगे, कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट होते हैं कॉम्प्लिकेशंस। क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, कॉम्प्लिकेशंस जो है टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड है, एक होती है इमीजिएट, एक होती है लेट। इमीजिएट के अंदर पेल्विक पेरिटोनाइटिस, जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, नेक्स्ट सेप्टिसीमिया प्रोड्यूसिंग आर्थराइटिस, मायोकार्डाइटिस। पेल्विक पेरिटोनाइटिस इट मीन्स जो पेल्विस एरिया के अंदर पेरिटोनियम है उसके अंदर इन्फेक्शन। जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस ओवरऑल जो पेरिटोनियम है उसके अंदर इन्फेक्शन। सेप्टिसीमिया ब्लड के अंदर इन्फेक्शन, और उसकी वजह से आर्थराइटिस जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन। मायोकार्डाइटिस मतलब मायोकार्डियम के अंदर इन्फेक्शन। उसके बाद आता है लेट। लेट के अंदर डिस्पर्निया, पेनफुल इंटरकोर्स। नेक्स्ट डेवलप होती है इनफर्टिलिटी, जो 12% चांसेस रहेगा। नेक्स्ट होता है क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लामेशन, कंटिन्यू PID के फीचर्स रहेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेशंस ऑफ एडेसेंस, इट मींस जो अपर जेनिटल ट्रैक्ट के ऑर्गन है वह पेल्विस के जो सॉफ्ट टिश्यू है या अदर जो पार्ट रहेंगे उनके साथ एडेसेंस
फीचर्स डेवलप करेंगे। नेक्स्ट होता है हाइड्रोसाल्पिंग्स। हाइड्रोसाल्पिंग्स मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेट इन फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट ट्यूबो ओवेरियन एप्सिस, इट मीन्स कंटिन्यू ट्यूब फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के अंदर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज डेवलप होती है और वहाँ पे एप्सिस फॉर्म होता है। नेक्स्ट होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर फेलोपियन ट्यूब जो है उसकी कैनाल अगर क्लोज हो जाती है तब क्या रहेगा, जो कंसीव इसके अंदर जो ओवम आएगा वह जो नॉर्मल एम्पुला वाले साइट रहेगा या जहाँ पे इम्प्लांटेशन होना चाहिए जैसे कि फंडस यूट्रस के अंदर, वहाँ तक जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वह मूव नहीं कर पाएगा और उसका जो इम्प्लांटेशन है वह फेलोपियन ट्यूब के अंदर रहेगा। तो चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी वह भी फेलोपियन जो ट्यूब रहेगा उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है इसके अंदर पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी चाहिए, हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग सेफ सेक्स प्रैक्टिस चाहिए, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और रूटीन चेकअप फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन, ये मेनली इसेंशियल स्टेप्स हैं फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी। इसके अंदर फर्स्ट होता है टू कंट्रोल इन्फेक्शन के लिए करना है, सेकेंड टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस के लिए, और थर्ड जो प्रिंसिपल है टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन करना है। तो इसके अंदर जो ये मेनली थेरेपी है ये टू कैटेगरी के अंदर है। अगर माइल्ड और मॉडरेट है तो हम उसे आउट पेशेंट थेरेपी देते हैं और अगर सीवियर है तो उसको इन पेशेंट थेरेपी देंगे। तो आउट पेशेंट थेरेपी में फर्स्ट एडिक्वेट रेस्ट एंड एनाल्जेसिक, सेकेंड एंटीबायोटिक इवन बिफोर माइक्रोबियल रिपोर्ट, थर्ड कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक गिवन। इसके अंदर सेफ्ट्रायोक्सोन 250 mg IM सिंगल डोज और डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 14 डेज विथ और विदाउट, मेट्रोनिडाजोल 500 mg BD 14 डेज, then evaluated after 48 hours and if no response are to be hospitalized। अगर ये outpatient पे भी अगर response नहीं कर रहे तब हमें इसको inpatient therapy देना है। तो hospitalization में only IV fluid देना है, ठीक है। इसके अंदर regimen जो है वो सिफोक्सीटीन 2 ग्राम IV 6 hours फॉर 2 to 4 days प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 14 days। रेजिमिन बी जो है इसके अंदर क्लिंडामाइसिन 900 mg IV 8 hours प्लस जेंटामाइसिन 2 mg पर kg IV फॉलोअड बाय 1.5 mg पर kg IV, मेंटेनेंस एवरी 8 hours के अंदर देना। अल्टरनेटिव रेजिमिन जो है इसके अंदर आएंगे एम्पिसिलिन सालबैक्टम 3 ग्राम IV 6 hourly 3 to 5 days प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओरल BD फॉर 14 days, ये मेन रहेगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये प्रेगनेंसी के लिए है। हिस्ट्री कलेक्शन किया और प्रेगनेंसी टेस्ट किया। प्रेगनेंसी अगर है तो उसके अंदर क्या करेंगे, बीटा SCG और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे, और अगर प्रेगनेंसी नो है तो इसके अंदर एब्डोम जो फीचर्स होंगे उसको फाइंड अप करेंगे। और उसके अलावा भी अगर फीचर्स जो है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, और अगर नॉर्मल जो फीचर्स डेवलप हो रहे हैं वो अपीयर नहीं हो रहे तो हम उसके लिए लैप्रोटॉमी, अल्ट्रासोनोग्राफी या CT करेंगे।
फिर नेक्स्ट होता है सर्जिकल इंडिकेशन। सर्जिकल इंडिकेशंस कब करेंगे? जब कॉम्प्लिकेशंस हो, लाइक जनरलाइज पेरिटोनाइटिस, पेल्विक एब्सेस, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस नॉट रेस्पॉन्डिंग या एडेसंस, तब हम सर्जिकल इंडिकेशंस करेंगे। सर्जिकल सर्जरी के अंदर मेनली डिपेंड ऑन साइट के ऊपर रहता है। आइडियल तो मेनली हिस्टेक्टोमी रहती है, या इसके अलावा साल्पिंजेक्टोमी अगर फेलोपियन ट्यूब तक है, साल्पिंजोटोमी या एंडोमेट्रियम पे है तो डायरेक्ट क्यूरेटेस करके इन्फेक्शियस एजेंट को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी कम ऑन री इन्फेक्शन के लिए प्रिवेंशन है, तो इसके लिए क्या करना है? एजुकेट अबाउट री इन्फेक्शन, अवॉइड नीड एंड पोटेंशियल हैजार्ड ऑफ री इन्फेक्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस यूज करनी है एंड फॉलो अप विजिट एज शेड्यूल। फॉलो अप जो है रिपीट स्मियर एंड कल्चर ऑन 7th डे फ्रॉम डिस्चार्ज करना, रिपीट माइक्रोबियल टेस्ट फॉलोइंग ईच मेंस्ट्रुअल पीरियड अंटिल बिकम नेगेटिव फॉर 3 कंसेक्टिव रिपोर्ट्स व्हेन पेशेंट डिक्लेयर क्योर। इट मींस कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो रहेगा मेनली 3 तक, ठीक है, डिस्चार्ज के बाद 3 जो मेंस्ट्रुअल पीरियड रहेंगे तब तक कंटिन्यू माइक्रोबियल स्टडी करवानी है। नेक्स्ट अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स अंटिल बोथ पार्टनर डिक्लेयर क्योर। फिर नेक्स्ट प्रूफ ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आफ्टर साल्पिंजेटाइल इन एन इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। नाउ माय टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू फॉर क्लास।